हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 6 में पढ़ेंगे पूर्ति की लोच का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि पूर्ति की लोच का सूत्र क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, तब ना न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच को ई एस से डिनोट किया जाता है, यानी ई एस से सूचित किया जाता है। और पूर्ति की लोच बराबर होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन तथा उसके कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की लोच कहा जाता है। यानी पूर्ति में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ को भाग दे देंगे कीमत में जितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हुआ तो मेरा पूर्ति का लोच निकल जाएगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वस्तु का निकल जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि पूर्ति में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू बाय क्यू को भाग देना है कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से तो पूर्ति का लोच निकल जाएगा। फिर कहता है या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देना है, यानी इसमें लगा देंगे 100 तो बन जाएगा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, इसमें लगा देंगे 100 तो बन जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी ये है अनुपातिक, ये पूरा है प्रतिशत, ये है अनुपातिक, ये पूरा है प्रतिशत। पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, ये पूरा है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये पूरा है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, ये दोनों तो अंतिम में कट ही जाएगा, यानी बचेगा यही व्यंजक, अर्थात हम इसको सेपरेट कर देंगे, डेल्टा क्यू बाय क्यू भागा है गुणा में चेंज हो जाएगा तो पलट जाएगा पी बाय डेल्टा पी। यानी ये पूर्ति का लोच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर होता है पूर्ति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक पूर्ति इंटू प्रारंभिक कीमत बटे कीमत में परिवर्तन। यानी हमको यहाँ पर चार चीज का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या देख लीजिए, पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ, पहला पूर्ति क्या है, पहला कीमत क्या है, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, बस इसको निकाल लेंगे, इस व्यंजक में रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि कीमत और पूर्ति के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए पूर्ति की लोच हमेशा धनात्मक आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक, पूर्ति के लोच का 5 प्रकार होता है। एक होता है 1 से अधिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, 0 के बराबर, अनंत के बराबर। यही 5 प्रकार में से एक प्रकार आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का कीमत जब 20 रुपया है तब उसका सप्लाई यानी पूर्ति 30 इकाई है। जैसे ही उसका कीमत 20 से बढ़कर 30 हो गया तो उसका सप्लाई 30 से बढ़कर 60 हो गया। तो कहता है वस्तु की पूर्ति की लोच निकालिए। चलिए निकालते हैं, इसको एक बॉक्स बना दिए। ठीक है, जब कीमत 20 है तो सप्लाई 30 इकाई है, 30 यूनिट्स है। जैसे ही कीमत बढ़कर 30 हो गया तो सप्लाई भी बढ़कर 60 हो गया, तो वस्तु की पूर्ति की लोच निकालिए। निकालते हैं, हमको 4 चीज चाहिए, क्या क्या, पहला प्राइस, पहला सप्लाई। ठीक, सप्लाई में चेंज, प्राइस में चेंज, अपने निकल जाएगा। यही 4 बात को ध्यान में रखिए, कोई भारी सवाल नहीं है, ये बहुत इजी है। देखिए, तो ये मेरा पहला प्राइज है, ये मेरा पहला सप्लाई है। प्राइज में चेंज कितना हुआ, 30 माइनस 20, मतलब 10 रुपया का चेंज हुआ। सप्लाई में चेंज कितना हुआ, डेल्टा क्यू, मतलब 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 30 इकाई। ठीक, अब हम लोग पूर्ति की लोच निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी,
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर पूर्ति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक पूर्ति इनटू कीमत, पहला कीमत बटे कीमत में परिवर्तन। ठीक है, चलिए सप्लाई में चेंज कितना हुआ 30, पहला सप्लाई क्या है 30, पहला कीमत कितना है 20 और कीमत में परिवर्तन कितना हुआ 10। ये तो दोनों कट गया, ये दोनों कटेगा दो से तो बचेगा दो, दो मतलब एक से अधिक, यानी पूर्ति की लोच एक से क्या है अधिक है, मतलब सापेक्षता लोचदार पूर्ति, यानी एक से अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चार चीज ध्यान में रखिए, पहला कीमत, पहला सप्लाई, कीमत में चेंज, सप्लाई में चेंज, निकाल लेने के बाद कहीं इधर उधर नहीं ताकना है, फॉर्मूला लगाना है डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, अपने आंसर निकल के आएगा। ठीक, बनाते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए दूसरा कहता है कि जब किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया है तब उसका सप्लाई यानी पूर्ति 40 इकाई है, जैसे ही उसका कीमत बढ़कर 20 रुपया हो जाता है तो उसका पूर्ति 60 इकाई हो जाती है। तो वस्तु की पूर्ति की लोच निकालिए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, नहीं निकाल पाइएगा आराम से निकालिएगा। पहला कीमत, पहला सप्लाई, कीमत में चेंज डेल्टा पी मतलब 20 माइनस 10 यानी 10, सप्लाई में चेंज मतलब डेल्टा क्यू अर्थात 60 माइनस 40 मतलब 20, लगा दीजिए फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी। ठीक, डेल्टा क्यू कितना है 20, क्यू कितना है 40, पी कितना है 10, डेल्टा पी कितना है 10, दोनों कट गया, ये दोनों कटेगा तो नीचे दो आएगा, यानी 1/2 मतलब 0.5, 0.5 मतलब एक से कम, यानी एक से कम लोचदार पूर्ति अर्थात सापेक्षता बेलोचदार पूर्ति, यानी पूर्ति की लोच क्या आया एक से कम आया, पहले क्या आया था एक से अधिक आया था, अब एक से कम आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, कोई लफड़ा नहीं है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसा सोचेंगे क्या पुट करना होगा उस तरह का नहीं है। ठीक है, मैथ से बहुत इजी है इकोनॉमिक्स। देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, कहता है जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो उसका सप्लाई 20 इकाई है, जैसे ही उसका कीमत 10 से बढ़कर 15 हो गया तो उसका सप्लाई 20 से बढ़कर 30 हो गया। तो कहता है वस्तु की पूर्ति की लोच निकालिए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालिए। ये पहला कीमत है, ये पहला सप्लाई है, कीमत में चेंज मतलब डेल्टा पी 15 माइनस 10 अर्थात 5, सप्लाई में चेंज डेल्टा क्यू अर्थात 30 माइनस 20 यानी 10, निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मतलब सप्लाई में चेंज, 10 क्यू मतलब पहला सप्लाई, 20 पहला प्राइस पी यानी 10, डेल्टा पी प्राइस में चेंज 5, ये दोनों कटेगा दो से, ये दोनों कटेगा नीचे दो आएगा और ये दो दो कट जाएगा, यानी पूरा पूरी सब कट जाएगा, यानी एक बचेगा। ठीक, एक बचा मतलब पूरा पूरी एक, पूर्ति की लोच एक के बराबर, यानी इकाई लोचदार पूर्ति एक के बराबर लोचदार पूर्ति। ठीक है, पहले आया एक से अधिक, उसके बाद एक से कम, अब क्या आया एक के बराबर आया। अब देखते हैं चार नंबर में क्या आएगा। देखिए चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो उसका सप्लाई 6 इकाई है, 6 यूनिट्स है, जैसे ही, अब क्या हुआ है कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कीमत जैसे का तैसे 5 रुपया ही रह गया है और सप्लाई 6 से बढ़कर 10 हो गया है,
कहता है अब पूर्ति का लोच वस्तु का कितना निकलेगा, तो निकालेंगे सेम प्रोसेस से निकलेगा, यानी यहां पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सप्लाई में परिवर्तन हुआ है। तो ये है फर्स्ट प्राइस, ये है फर्स्ट सप्लाई, प्राइस में चेंज कितना 5-5 मतलब 0, सप्लाई में चेंज कितना 10-6 मतलब 4। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू कितना आया है 4, क्यू कितना है 6, पी कितना है 5, डेल्टा पी कितना है 0। ठीक, 4×5=20, 6×0=0, किसी भी संख्या के नीचे 0 है मतलब इसका मान कितना होगा इनफिनाइट होगा, इनफिनिटिव होगा, मतलब पूर्णतः लोचदार पूर्ति, मतलब अनंत के बराबर लोचदार पूर्ति, यानी पूर्ति की लोच अनंत के बराबर आया, इन्फिनिटिव के बराबर आया, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णतः लोचदार पूर्ति। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कहता है जब किसी वस्तु का प्राइस 20 रुपया है तब उसका सप्लाई यानी पूर्ति 20 इकाई है। ठीक, जैसे ही उसका प्राइस 20 से बढ़कर 40 हो गया तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 20 इकाई पहले था बाद में भी 20 इकाई है। तो कहता है अब वस्तु की पूर्ति का लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा, पहले कीमत 20 सप्लाई भी 20, कीमत बढ़कर 40 हो गया लेकिन सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वस्तु की पूर्ति की लोच निकालिए। फर्स्ट प्राइस फर्स्ट सप्लाई, प्राइस में चेंज 40-20 यानी 20, सप्लाई में चेंज 20-20 मतलब 0। अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सूत्र की सहायता से निकालेंगे, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू कितना है 0, क्यू कितना है 20, पी कितना है 20, डेल्टा पी कितना है 20, ये दोनों तो कट गया और 0/20 20 रहे 30 रहे कुछ भी रहे, ऊपर में 0 है मतलब सब 0 बन जाएगा, यानी ई एस जो होगा वो 0 आ गया, मतलब 0 के बराबर लोचदार पूर्ति, यानी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, तो कहता है कि पूर्ति के लोच के 5 प्रकार होते हैं, 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, 0 के बराबर, अनंत के बराबर। तो हमने अभी सॉल्व किया तो 5 प्रकार की पूर्ति का लोच प्राप्त हुआ। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो में।